रहते हो? इधर रहते हो? ये क्या है? ये क्या है चीज़ है? क्या चीज़ है? नाजरीन, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? मैं ताहिर महमूद, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेले मसरूफ। तो नाजरीन, आज रिंगर खान से 11-12 किलोमीटर के रास्ते पे एक ये हिस्टोरिकल प्लेस है, एक तारीखी जगह है। यहाँ पे हम ड्यूटी के बाद आए हैं, 2-3 दोस्त, सलमान चीमा साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जब वो हमने उनको रोक लिया था, वो खाना नहीं खा के जा रहे थे, तो वही ये मेरे प्यारे दोस्त हैं। इनको ही पता है इसकी हिस्ट्री के बारे में, उन्हीं से पूछेंगे इसके बारे में। तो मुझे एक अच्छी जगह लगी है आउटिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे आया हूँ दोस्तों के साथ। तो सलमान साहब से पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये इस तरह इसकी तारीख क्या है, ये किस हवाले से ये इम्पोर्टेंस रखती है। तो नाज़रीन, पूछते हैं जी सलमान साहब से, जो हमें यहाँ लेके आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बता भी दें कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या मकसद है यहाँ बिल्डअप करने का। बताएं तो सर, ये क्या चीज़ है? अच्छा तहबे, ऐसे है कि ना, मेरा शहर है और यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर जो है ना मेरा गाँव भी है। सही हो गया। तो हम जब छोटे होते थे, छोटे होते हम ये स्टोरियाँ सुनते आए कि यार ये जो है ना, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा, अब तो ज़मीन बहुत डेवलप हो गई, अगर आप दिखाएं अपने व्यूअर्स को तो बहुत ज़मीन डेवलप हुई हुई है, वरना दूर दूर तक जहाँ भी आप देखते थे ना, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले होते थे। तो हमारे किसानों ने मेहनत करके इसको जो है ना फर्टाइल कर लिया लैंड को। तो हम यही सुनते होते थे सारी उम्र के यहाँ से एक दरिया बहता होता था, और ये जो पटन मनारा था, दरिया को डायरेक्शन, मतलब जो कश्तियाँ चलाते थे उनको डायरेक्शन देने के लिए ये बनाया गया था। फिर जब दरिया अपना रास्ता बदल गया तो पीछे जो है वो रेत के टीले छोड़ गया। इसके अलावा गाइस, जो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हूँ, जिन पे जो रिसर्च करने वालों ने बताया, वो ये कि ये इस, और जो कि हकीकत के करीब भी लगता है कि ये ज़्यादातर, मतलब ये नहीं कि ये टेम्पल था हिंदुओं का, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले तो यहाँ पर हिंदू ही थे लोग, और आपके शहर में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी हैं। तो ये कंसिडर किया जा सकता है, और ये करीब भी लगती है, समझ भी आती है बात के माइट भी ये टेम्पल हो। तो इसके बारे में डिफरेंट स्टोरीज हैं, कंफर्म कुछ भी नहीं है। सही हो गया। लेकिन इसके बारे में कोई किसी ने लिखा क्यों नहीं है यहाँ पे किसी बुक के अंदर प्रॉपर, और यहाँ पे कुछ लिखा होना चाहिए था क्योंकि जो बंदे आए उन्हें पता चले। अच्छा, ऐसा था कि पहले यहाँ पे लगा होता था। सही है, उन्होंने डिटेल और इसकी हिस्ट्री बताई होती थी, लेकिन मैं परेशान हूँ, बड़ी देर बाद आके देखते थे ये स्टेयर्स वगैरह टूटी हुई है। आप इधर ही रहते हैं? नहीं, हम यहाँ पे नजदीक रहते हैं। ये क्या चीज है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? जी, घर वाले कहते थे कि यहाँ पे ना जो कोई यानी के रहता था, कोई बंदा रहता था यहाँ पे। जी जी, नहीं रहता तो था, लेकिन फिर ये इस तरह क्यों छोड़ दिया गया? बाकी बिल्डिंग तो यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसी, इसको क्यों छोड़ा गया है ऐसे? बाकी यानी कि थी यहाँ पे, लेकिन वो जो ना बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है। मतलब कि ये किसी का घर था। जी, घर था, तो ये बच गया, बाकी सारे खत्म हो गए हैं।
सही है। कोई कहते थे कि यहाँ पे जो घर था ना, घर वाले वैसे कहते हैं, बूढ़े जो है वो कहते हैं यहाँ पे घर था तो यहाँ पे ना एक बंदा रहता था, ठीक है, बस्ती थी यहाँ पे, तो उसकी जो अम्मी थी ना तो वो बंदा यानी कि चला गया, जैसे परदेश जाते हैं ना वैसे चला गया, और इस उसकी अम्मी को ना यहाँ पे यानी कि खाना जो है ना सिर्फ एक ही घर देता था, वो यही घर था, यही घर एक उसको यानी कि खाना देता था, फिर यही घर एक रह गया, बाकी जो दूसरे थे ना वो कोई भी खाना नहीं देता था। और जब उसका बेटा जब वापस आया ना तो उसे पता चला पता नहीं ऐसे कुछ वाकया हुआ था, बाकी सारे घर तबाह हो बर्बाद खत्म हो गए। जैसे हम इधर जाते हैं ना तो हम इधर जाते हैं तो हमें दिखाई देते हैं जैसे घर तबाह हुए होते हैं, टुकड़े वगैरह पड़े हैं, सही है, यानी कि यहाँ पे पहले तामीरात होती थी, मकानात होते थे, उनके निशान हैं, निशान है अगर आप यहाँ। तो नाज़रीन यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, पतन मीनारा, पतन मीनारा इसका नाम है हिस्टोरिकल प्लेस का, बेहतरीन जगह है आउटिंग के लिए, ज़बरदस्त हिस्ट्री है इसकी। तो हमने गपशप भी किया, जो यहाँ के कुछ रहने वाले बच्चे थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, बेहतरीन लगा। चीमा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें यहाँ पे लेके आए, थैंक यू सो मच। सलमान साहब वेल डन, थैंक यू। तो आज ड्यूटी के बाद इन्होंने हमें थोड़ी सी आज आउटिंग करवा दिया, थैंक यू सो मच। रस्ते में पियेंगे चाय और आपसे लेते हैं इजाज़त, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, देखते रहें बेले मसरूफ़।